तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ाने वाला ना थोड़ी चाहता हूँ यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और जिनको तुम भोग करना चाहते हो एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है, विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। मां 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और पापा यानी शक्ति, तो मां तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ, और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। एक बता दो मुझे कोई आदमी, और फॉर्चुनर तुमने ले ली कि इसको भोगेंगे, इसका 1,00,000 रुपया महीना खर्चा है, ये तुमको भोगने लगेगी, ये भिखमंगा कर देगी। तुम इसको लिए तो थे दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ दिन बाद तुम्हारा ही कपड़ा फटा है, लोग ही देखेंगे तुमको। इसीलिए धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है अपारिग्रह। अपारिग्रह, किसी भी धर्म को देखोगे तो उसमें सिद्धांत है अपारिग्रह, किसी चीज का उपभोग करना है। तो शक्ति रहेगी तो फॉर्च्यूनर वाला तुम्हारे पास खुद ही आएगा,